सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंड्रॉयड डिवाइस में आपके होम स्क्रीन पे जो है दोस्तों वेदर विजेट को कैसे ऐड करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे होम स्क्रीन पे जो है दोस्तों टाइम के साथ ऊपर के साइड जो है दोस्तों वेदर टेम्परेचर भी शो कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी ऐड करना है। तो इसके लिए जो है दोस्तों कुछ डिवाइसेस में बाय डिफ़ॉल्ट जो है दोस्तों इस तरह का विजेट अवेलेबल रहता है। अगर आपके पास भी है, अगर आपको चेक करना है, तो आप अपने होम स्क्रीन पे थोड़ी देर टैप एंड होल्ड कीजिए और यहाँ से जो है दोस्तों विजेट सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल कीजिए और आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मोटो विजेट है, मेरा जो डिवाइस है मोटोरोला का है, यहाँ पर विजेट जो है दोस्तों शो कर रहे हैं। यहीं से जो है दोस्तों मैंने जो है वेदर विजेट को ऐड किया हुआ है। अगर आपके पास इसी तरह का कोई भी आपके डिवाइस का बाय डिफ़ॉल्ट विजेट अवेलेबल है, तो यहां से आप उसको इजीली ऐड कर सकते हैं। इनकेस दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का कोई विजेट ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, तो आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको जाना है दोस्तों गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पर आपको सर्च करना है ट्रांसपेरेंट क्लॉक, इस तरीके से आपको सर्च करना है। और यहाँ से जो दोस्तों फर्स्ट वाला जो ऐप है उसको ओपन कीजिए। ये ऐप को आपके डिवाइस में डाउनलोड और इंस्टॉल कीजिए। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, तो जस्ट आप अपनी होम स्क्रीन पे थोड़ी देर टैप एंड होल्ड कीजिए, फिर से यहाँ से विजेट सेलेक्ट कीजिए और नीचे स्क्रॉल कीजिए। आपने जो ऐप डाउनलोड किया था दोस्तों उसका विजेट यहाँ पर आपको अभी शो करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ट्रांसपेरेंट क्लॉक एंड वेदर। तो यहाँ से जो है दोस्तों कोई भी एक वेदर विजेट जो है दोस्तों आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने होम स्क्रीन पे इसको ड्रॉप कीजिए। ड्रॉप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्लॉक भी मिल जाएगी और आपकी वेदर रिपोर्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इस मेथड से जो है दोस्तों आप भी इजिली आपके एंड्रॉयड डिवाइस के होम स्क्रीन पे जो है दोस्तों वेदर विजेट को ऐड कर सकते हैं। तो बस दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए। इजी सा और सिंपल सा वीडियो है। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।